मनुष्य जो हमेशा इस ब्रह्म रूपी संसार में अपने सुख को ढूंढता आया है, पर क्या सच में वो इस जीवन चक्र में सुखी है? एक वक्त है जो रुकता नहीं, एक मैं हूं जो ठहरता नहीं, एक दौर है जो जी चुका हूं मैं, एक उम्र है जो जीना चाहता हूं, एक ख्याल है जो जाता नहीं, एक सादगी है जो मिलती नहीं। ये लाइनें तो काफी अच्छी लिखी हैं। काफी कुछ सीख के यहां आया हूं। जायज है उससे मुंह दिखाते वक्त नाराज नहीं करना। मैं रिदम, और आप? मैं आरम। रिदम काफी आकर्षित नाम है। मैं काफी देर से देख रहा हूं आप इस शिला को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। क्या करते हैं आप? बस यू ही देख रहा था। वो क्या है ना, आदत सी पड़ गई है जी। खुद एक पूरा तत्ववेता होने के थोड़े से फायदे भी है। ओ, पुरातत्ववेता मतलब आप भी गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं जी? वैसे आप क्या करते हैं? मैं वो हूं जो परखता हूं। क्या परखते हैं आप? तुम्हें पता है तुम मरने वाले हो जी। बिल्कुल, मरना तो सबको ही है एक दिन। तुम्हें मौत से डर नहीं लगता, जिससे दुनिया का हर एक इंसान डरता है? जिंदगी से जितना भागना था भाग लिया, अब बस सुकून से उस पेड़ के छाव में बैठना चाहता हूं। वैसे भी वक्त से बड़ा कौन। तुम्हें जीने की इच्छा नहीं है? हर किसी को उसकी जिंदगी प्यारी होती है, और वो पूरी जिंदगी उस झूठी खुशी को सच मान लेता है जो कि उसे दूर से आकर्षित करता है। इंसान को उसकी जिंदगी से क्या चाहिए? अरे बहुत कुछ। इंसान भी कितना अजीब है ना, अपने जीवन में खुश रहने के लिए हमेशा परेशान रहता है, और अंत में अपने ही भीतर श्वेत सा शांत हो जाना चाहता है, लेकिन हो नहीं पाता, और फिर से इस चक्र में फंस जाता है। मरने के बाद कैसी जिंदगी? इंसान एक बार मर जाता है तो उसका तो जीवन चक्र ही खत्म हो जाता है। शरीर तो एक पर्याय है, अस्तित्व कभी नहीं मिटता, या कभी भी कोई जानवर पेड़ पौधा बन जाता है, या बनता भी है या नहीं उन्हें भी नहीं पता। तो ये कौन तय करता है कि कौन क्या बनेगा? आपको क्या लगता है? चलिए, मेरे हिसाब से ये आपके कर्मों पर निर्भर करता है। जैसा आप बोलोगे, जैसा आप सोचोगे, वैसा ही फल पाओगे, और ऐसे ही तो सदियों से चलते आ रहा है। ओ, कर्म? कर्म? हाँ वही, मतलब सुना है ऐसा कुछ। सच में ऐसा कुछ होता है क्या? मतलब ये कैसे मान लें कि ये सारा का सारा खेल कर्म का है? अच्छा, कर्म का सारथी कौन है आपको पता है क्या? ये तो पता नहीं, लेकिन सब एक ही वस्त्र रूप के पीछे है, एक ही मोह के पीछे है, सबका लक्ष्य भी एक ही है। ये तो संसार का नियम है, और यही तो जीवन का सार है। मतलब जैसे हमें इस जीवन के कर्म याद हैं और पिछले जीवन के कर्म याद नहीं रहते, तो अगर ऐसा चलता रहा तो ये कर्मों का दौर तो कभी खत्म नहीं होगा। और हमारे साथ जो अच्छा बुरा अभी हो रहा है, क्या ये पिछले जीवन के कर्मों का भुगतान है? देखो, हमारी जिंदगी में कर्मों की काफी बड़ी भूमिका है, ये पूरा सच नहीं है, लेकिन कर्मों का हमारे जीने मरने से नाता है। कुछ चीजें जो सहयोग से हमारे साथ जुड़ जाती है। कर्म तो निमित्त है, सहयोग भी निमित्त है। जैसे पुरुषार्थ, भवित्यव, कर्म, ये सब तो अनेक कारण है। आपके विचार से एक अच्छा जीवन कैसे जिया जाए? अप्रज्ञ वर्ष मतलब
किसी भी चीज को बिना ज्यादा लगाव लगाए जिंदगी जीना, क्योंकि कर्म का सार वही है जो किसी भी परिणाम में ना ज्यादा खुश हो ना ज्यादा दुखी हो। स्थिरता ही मोक्ष का मार्ग है। संसारिक चीजों को छोड़कर साधारण जीवन जीना शुरू कर दे तो जिंदगी की आधी चिंता यूं ही खत्म हो जाती है। वैसे भी हम अपनी चिंता को आरोपों से तोलते। चलो मान लिया कि हमने अपरिग्रह वर्ष जीवन जीना शुरू कर दिया, लेकिन आप लोगों को कैसे बताओगे कि उनकी मान्यताएं उनके सत्य से कितनी अलग है? एकांतवाद से, क्योंकि एकांतवाद में सहनशीलता और स्वीकार्यता की शक्ति होती है। जो आप सोचते हैं वो आपका सत्य है, जो मैं सोचता हूं मेरा सत्य है। असल में बात सत्य और सत्य के बीच में है। कुछ समझे? मतलब चलो एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा वक्त होगा जी। तो कुछ साल पहले एक गाँव में चार अंधे रहते थे। अचानक से वह एक दिन एक हाथी आ जाता है, तो उनमें से एक अंधा हाथी की सूंड को छूके देखती है, एक हाथी के पैरों के पास, एक हाथी के कान के पास और एक हाथी के पूंछ के पास। तो जब उनसे पूछा जाता है कि तुमने क्या महसूस किया, तो उनमें से जो अंधा हाथी के कान के पास रहता है वो कहता है कि मैंने एक पंखा महसूस किया, जो पैर के पास रहता है वो कहता है कि मैंने एक खंभा महसूस किया, जो पूछ के पास रहता है वो कहता है कि मैंने झाड़ू महसूस किया, और जो सूंड के पास रहता है वो कहता है कि ये एक बड़ी सी नाली की तरह है। तो इससे ये पता चलता है कि सबके अपने अपने अनुभव होते हैं और वो अपनी अपनी जगह सही होते हैं। इसी तरह इंसान बचपन से हमेशा छोटी सी छोटी चीज से लगाव लगा बैठता है ना, और जिंदगी भर उसे ही सुख मान लेता है, और उसे ये नहीं पता है कि वो जीवन में क्या नजरअंदाज कर रहे हैं। जीवन में उससे भी बड़ी चीजें हैं जिसे वो नजरअंदाज करते हैं और वास्तविकता से लड़ जाते हैं। अक्सर धूल चेहरे पे रहती है लेकिन हम आईना साफ करते रह जाते हैं। आपने कितना कुछ कह दिया अपने जीवन के बारे में, दुनिया के बारे में। आपके हिसाब से जीवन क्या है? मतलब कुछ शब्दों में जीवन का वर्णन आप बताएं। मोह माया कैसा ब्रह्म जाल है जिसमें से कभी भी कोई साधारण मनुष्य उभर नहीं पाता। जैसे माँ को अपने बच्चे से, बच्चे को अपने पसंदीदा खिलौनों से, एक प्रेमी को अपनी प्रेमिका से। भाई, जो इंसान को अपने दायरे से बांधे रखता है वो भाई, जो इंसान को सांसारिक रीतियों से बांधे रखता है वो भाई। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मेरे माँ बाप क्या कहेंगे, वो भाई। मोक्ष। मोक्ष क्या है? क्या मौत ही मोक्ष है? वो श्वेत चादर जिसमें हर कोई ढल जाने वाला है, ना भविष्य की चिंता ना भूतकाल की दर्दनाक यादें। बस एक खाली सा लम्हा जो तुम्हें संजो लेता है। वाकई आपके विचार काफी अच्छे हैं। आखिर में आप कुछ कहना चाहोगे? दुनिया कर्मों पे चलती है, अगर आप अपने कर्म से लड़ोगे तो जीतोगे, वरना भटकते रह जाओगे ये जीवन चक्र में।
के किनारे पे पेड़ की छाँव में बैठ जाऊं मुसाफिर कभी। इतना क्यों है भागता, क्या तू वक्त से बड़ा बन गया है काफिर अभी। राह के किनारे पे पेड़ की छाँव में बैठ जाऊं मुसाफिर कभी। इतना क्यों है भागता, क्या तू वक्त से बड़ा बन गया है काफिर अभी। मिल जाएगा एक दिन तुझे तेरा वो आसमां, जब हुई है तेरी हंसी तो सफर का क्या फायदा। फिक्रों में है क्या रखा, कोशिशें तू कर सदा, इतना ही है काफी अभी। राह के किनारे पे पेड़ की छाँव में बैठ जा मुसाफिर कभी।